सो हम ओरल केयर प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो हमें एक पेयर ग्लव्स चाहिए होता है, टाल चाहिए आपको, आपको कुछ कॉटन बॉल्स चाहिए, गॉस पीसेस चाहिए, आपके पास माउथ वॉश अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास एक ऑलिव ऑयल या वैसलिन अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए टूथब्रश, टूथपेस्ट। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको चाहिए एक एम्प्टी ग्लास, किडनी ट्रे। ओरल केयर प्रोसीजर्स अनकॉन्शियस और कॉन्शियस पेशेंट में डिफरेंटली होते हैं। तो अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो हमको हम उसे फाउलस पोजीशन में बैठाएंगे या उसकी कंफर्टेबल पोजीशन पे उसको बैठाएंगे, फिर हम उसके अराउंड, उसके नेक के अराउंड टाल बिछाएंगे ऐसे, फिर हमारे पास जो भी माउथ वॉश अवेलेबल है हम उसको उसको देंगे क्लियर ऑफ करने के लिए, एंड देन किडनी ट्रे में वो स्विश कर देगा, सारा निकाल देगा। फिर हम टूथब्रश लेंगे, उस पर टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे, पेशेंट के मुंह के अंदर सारे दांतों पे सर्कुलर मोशन में चारों तरफ घुमाएंगे, फिर उसका ऑक्लूजल सरफेस यानी ऊपर के सरफेस जहाँ से वो खाता है उसको क्लीन करेंगे, फिर अंदर से उसको साफ करेंगे। देन हम उसे क्लीन करने के लिए पानी देंगे एंड वो फिर से उसमें किडनी ट्रे में स्विश कर देगा। फिर हम एक टिश्यू लेके उसके मुँह को, लिप्स को, अराउंड को क्लीन करेंगे प्रॉपरली, एंड देन फिर से उसे माउथ वॉश देंगे रिंस करने के लिए प्रॉपरली, और क्लीन कर लेगा। सो ये था प्रोसीजर एक कॉन्शियस पेशेंट में। सो अनकॉन्शियस पेशेंट में हम क्या करेंगे, हम पेशेंट के गर्दन के नीचे टाल बिछाएंगे और उसके ऊपर टाल लगाएंगे ऐसे, देन हम पेशेंट का फेस टिल्ट करेंगे अपनी तरफ और किडनी ट्रे उसके माउथ के नीचे लगाएंगे, ताकि जो भी पानी वगैरह निकल रहा है उसके माउथ से वो हम वहाँ से ड्रेन आउट कर सकें फ्रॉम द लेफ्ट साइड जहाँ से वो टिल्टेड है हेड। देन हम एक टंग प्रोब लेंगे, उसको अच्छे से कॉटन पीस और गॉज पीस से कवर कर लेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हम पेशेंट का लिप और मुंह रिट्रैक्ट कर सकें, ताकि हम उसके अंदर की क्लीनिंग कर सकते हैं। देन हम एक वेट कॉटन पीस लेके टंग मुंह को ऐसे रिट्रैक्ट करते हुए उसके मुंह के चारों तरफ सर्कुलेट करेंगे, क्लीन करेंगे सारे दांतों को, डिस्कार्ड करेंगे, दूसरा पीस उठाएंगे और उसकी टंग और मुंह के साइड को क्लीन करेंगे। उसके मुंह के अंदर हम उसको क्लीन करेंगे पानी से, और जो भी पानी ड्रेन आउट होगा वो किडनी ट्रे पे ड्रेन आउट होगा। आप अगर किडनी ट्रे आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप सक्शन ट्यूब या सक्शन मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट सारा पानी क्लियर आउट हो जाए। देन आप वेट टिश्यू से उसका साइड और उसका मुंह आसपास पूरा क्लीन करेंगे, एंड आपको ध्यान रखना है, चेक करना है कि उसके टीथ पूरे सही हैं, कोई डिके तो नहीं है, कोई गम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आप अगर देख रहे हो कि उसके लिप्स के साइड में क्रैकिंग है या लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो आप ऑलिव ऑयल या वैसलिन का यूज़ कर सकते हो, उसे आप चारों तरफ उसके मुंह के अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इफ़ यू लाइक लर्निंग दिस वे, प्लीज़ डाउनलोड योर पर्सनलाइज्ड ऐप। थैंक यू।